नमस्ते जी, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ ये लुक शेयर करने वाली हूँ। ये एक परफेक्ट डेट नाइट लुक है। सो बेसिकली इसका फोकस है रेड लिप और एग्जैजरेटेड विंग आईलाइनर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो बिफोर पुटिंग एनी मेकअप, योर स्किन केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज के इस वीडियो के लिए मैंने यहाँ पे एक्वालॉजिका का मॉइस्चराइजर यूज़ किया है। सो ये एक क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर है। इसे मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी और ये बहुत अच्छा हाइड्रेट करता है। आफ्टर मॉइस्चराइजर आई एम यूजिंग मैक का स्ट्रोक क्रीम। इसे मैं पूरे फेस पे अप्लाई करूंगी। आप देख सकते हो बहुत हेल्दी सा विद इन ग्लो आएगा। प्रोडक्ट्स एंड शेड के डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आप पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हो कि कौन सा शेड मैंने यूज किया है, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। नेक्स्ट मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ अंडर आइज पे, अपर आइज पे और जहाँ पे भी डार्क स्पॉट या पिगमेंटेशन है वो सारी जगहों पे मैं कंसील कर दूंगी, ताकि मैं फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद मेरा फाउंडेशन एशी या फिर वाइट ना दिखे। कंसीलर का कंसिस्टेंसी थोड़ा सा हैवी होता है एज कम्पेयर टू फाउंडेशन, तो अगर आपको ब्लेंड करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप थोड़ा सा सेटिंग स्प्रे यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप डैबिंग मोशन पे अपना कंसीलर यूज़ करना, तभी आपको ना ही कोई पैचेस दिखेंगे ना ही अनइवन दिखेगा, बहुत अच्छे से सेटल हो जाएगा कंसीलर। इस लुक के लिए मैं दो फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, एक लैक्मी 925 और दूसरा एल्फ कॉस्मेटिक का। ये दोनों शेड मेरे लिए मैच नहीं कर रहा था, तो मैंने दोनों को मिला दिया एंड कितना परफेक्ट शेड आया है आप देख सकते हो। अक्सर ऑनलाइन शॉपिंग में ये गड़बड़ होती है कि आप या तो फिर आपका कंसीलर गलत शेड का उठा लेते हो या तो फिर फाउंडेशन आपका गलत शेड का आ जाता है। तो इनकेस अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप एक लाइटर शेड और एक डार्कर शेड को हमेशा मिला के लगा सकते हो। इस तरह से आपके फाउंडेशन बेस्ड नहीं होंगे अगर वो गलत शेड में आ भी गए तो। फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए मैंने यहाँ पे पैक का ब्रश यूज किया है। मुझे इसका नंबर इतने अच्छे से याद नहीं, बट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। बेस को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे लैक्मी का रोज पाउडर यूज किया है। आप कोई सा भी लूज पाउडर या तो फिर कॉम्पैक्ट भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू सेट माई आईब्राउ। उसके लिए मैंने यहाँ पे मिस क्लेयर का आईब्राउ पेंसिल यूज किया है। दिस इज इन द शेड डार्क। आईब्राउज को फिल करने से पहले आप एक स्पूली के मदद से आईब्राउज को अच्छे से कॉम कर ले, ताकि आपको स्पार्स एरिया दिख जाए और वहाँ पे आप कॉन्सेंट्रेट करके ज़्यादा प्रोडक्ट डिपॉजिट कर सकते हो। आगे की तरफ आपको धीरे धीरे छोटा छोटा ही स्ट्रोक्स लेना है और अंदर की तरफ आपको ज़्यादा फिल करना है। आईब्राउ फिल करने के बाद आप वापस से उसी स्पूली के मदद से अपवर्ड डायरेक्शन में कॉम करके चेक कर सकते हो अगर आपने कहीं पे कोई स्पार्स एरिया छोड़ दिया है तो। आई शेडो के लिए मैंने यहाँ पे ये शिमर शेड यूज किया है। इसे मैं पूरे अपने आईलिड पे अप्लाई करूंगी। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई आईलाइनर। दिस इज बाय द ब्रांड के ब्यूटी। इसका जो टिप है वो बहुत ही शार्प है, इसे अच्छे से आप एग्जैजरेट करके आईलाइनर लगा सकते हो। विंग लाइनर क्रिएट करते वक्त थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेके ही आप विंग को क्रिएट करना शुरू करें। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट ले लोगे तो एक तो वो बहुत ज़्यादा मेसी हो जाएगा, दूसरा आपका विंग जो है वो शार्प नहीं बनेगा। लाइनर
लाइनर के ड्राई होने के बाद आई एम गोइंग टू कर्ल माई आई लैशेज एंड उसके बाद मैं यहाँ पे मस्कारा यूज कर रही हूँ. दिस इज बाय द ब्रांड मेबेलिन. मस्कारा को मैंने यहाँ पे बोथ अपर एंड लोअर आई लैशेज पे यूज किया है. अगर आप फॉल्सीज यूज कर रहे हो तो मेक श्योर कि एक कोट आप मस्कारा अपने ओरिजिनल लैशेज पे लगाओ, उसके बाद आप फेक लैशेज ऐड करना, ये चिपकने में मदद करेगा. मस्कारा के बाद मैंने यहाँ पे बहुत ही हल्का सा ब्लश अप्लाई किया है क्योंकि मेरा लिपस्टिक रेड है तो मैं नहीं चाहती कि बहुत ज़्यादा ब्लश मेरे फेस पे रहे. फॉर माई लिप्स आई एम गोइंग टू यूज़ दिस ब्यूटिफुल रेड कलर. ये बहुत ही पिगमेंटेड है एंड बहुत ही ग्लॉसी है, तो आप देख सकते हो अप्लाई करने के बाद ये बहुत ज़्यादा रेड मेरे फेस पे दिख रहा है. सो विद द हेल्प ऑफ अ टिश्यू पेपर मैं इसका एक्सेस प्रोडक्ट निकाल दूंगी. एक्सेस प्रोडक्ट रिमूव करने के बाद ये थोड़ा सा मैट हो गया है और अच्छा दिख रहा है फेस पे. आई एम गोना शो यू कि कितना प्रोडक्ट निकला है. सी, टू कम्प्लीट दिस लुक आई एम गोइंग टू यूज हाइलाइटर. ये बहुत ही खूबसूरत सा कलर है. दिस इज बाय द ब्रांड मेबेलिन. कितना अच्छा ग्लो दे रहा है, बिल्कुल भी चंकी पार्टिकल्स नहीं है, आपके स्किन पे अच्छे से मर्ज हो जाता है ये हाइलाइटर. मैं हाइलाइटर को आईब्राउ के ऊपर से लेके चिक तक लेके आ रही हूँ. आप देख सकते हो ऐसे छोटा सा सी बन रहा है. अगर आप इस तरह से अप्लाई करोगे तो आपका फेस तो अच्छा सा ग्लो करेगा और डायमेंशन भी अच्छा दिखेगा. आप इस लुक को नाइट पार्टीज या तो फिर डेट के लिए क्रिएट कर सकते हो. सो दैट इज इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और लाइक बटन पे क्लिक करना ना भूलना. आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीक. बाय.